हेलो एंड वेलकम भाई दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए चैनल टेक्नो स्टडीज़ में। पिछला वीडियो में डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में था, ये वीडियो डॉट नेट के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉट नेट क्वेश्चन किस टाइप का है? व्हाट इज डॉट नेट, एक्सप्लेन ऑफ आर्किटेक्चर एंड फ्यूचर आर डॉट नेट फ्रेमवर्क। डॉट नेट फ्रेमवर्क फ्यूचर बताइए और आर्किटेक्चर को क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, साथ में डॉट नेट क्या है बता रहा है। डॉट नेट एक प्लेटफॉर्म है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने कई भाषाओं को विकसित किया है। जो भाषाएं इस प्लेटफॉर्म का अनुसरण करती हैं उन्हें हम डॉट नेट प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसे हम प्रोग्रामिंग भाषाओं की कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं, जिस पर कार्य करते समय डॉट नेट के कोड्स को समझना आवश्यक होता है। आर्किटेक्चर डॉट नेट फ्रेमवर्क एक डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने 2002 में डेवलप किया था। डॉट नेट फ्रेमवर्क केवल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होता है। डॉट नेट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे कि माइक्रोसॉफ्ट इन्वायरमेंट के अंदर वेब बेस्ड, विंडो बेस्ड, कंसोल बेस्ड सॉफ्टवेयर को विकसित किया जाता है। डॉट नेट फ्रेमवर्क में CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम फ्रेमवर्क की आत्मा की तरह कार्य करता है। डॉट नेट फ्रेमवर्क में बहुत बड़ी क्लास लाइब्रेरी होती है जिसे फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी FCL भी कहते हैं। उसमें कोड के बारे में पूरी जानकारी होती है। फ्रेमवर्क जावा लैंग्वेज की तरह प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, लेकिन यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, अर्थात यह केवल विंडो प्लेटफॉर्म पर ही रन होता है, लिनक्स इत्यादि में नहीं। डॉट नेट फ्रेमवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, अर्थात यह दूसरी लैंग्वेज में लिखे कोड को भी सपोर्ट करता है। डॉट नेट फ्रेमवर्क ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी उपलब्ध कराता है। यहाँ कुछ डायग्राम दिए हैं, जैसे VB.NET, CH, विजुअल C++, जावा स्क्रिप्ट, अदर डॉट नेट लैंग्वेज। ये डॉट नेट कंपाइलर से कंपाइल होते हैं और CIL कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज प्रदान करते हैं, जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में और जस्ट इन कंपाइलर के द्वारा मशीन कोड देते हैं। यहाँ साइड में कंपाइलर टाइम है और रन टाइम प्रोवाइड किया गया है। डॉट नेट फ्रेमवर्क के फ्यूचर जो पिछला वीडियो में था सेम है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑटो कंप्लीट IDE, असेंबलीज, नेमस्पेस, विंडो फॉर्म डिजाइनर, एट्रीब्यूट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फ्यूचर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विजुअल बेसिक डॉट नेट एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इसका मतलब यह है कि यूजर स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट करके कार्य कर सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अर्थात यह क्लास एन ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, तथा ओप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के अन्य फीचर को भी सपोर्ट करता है। ऑटो कम्प्लीट विजुअल बेसिक डॉट नेट का कोड एडिटर जो है वह ऑटो कम्प्लीट की सुविधा प्रदान करता है, जिसके द्वारा जब भी प्रोग्रामर कोड को लिखते हैं वह अपने आप पूरा हो जाता है, जिससे प्रोग्राम के समय की बचत होती है। IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यह है एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो डेवलपर के सॉफ्टवेयर को डेवलप, रन, टेस्ट, डिबग करने की सुविधा प्रदान करता है। असेंबली DLI या .exe फाइल असेंबली है जो एप्लीकेशन के पार्ट को क्रिएट करता है। नेम स्पेस क्या है? असेंबली में उपस्थित ऑब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज करता है। एक असेंबली में एक से ज़्यादा नेम स्पेस हो सकते हैं। विंडो फॉर्म डिजाइनर विजुअल बेसिक डॉट नेट में विंडो फॉर्म डिजाइनर जो होता है, जिसके द्वारा फॉर्म को डिजाइन किया जाता है। एट्रीब्यूट ये टैग होते हैं जो कि एलिमेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं। एट्रीब्यूट का सबसे ज़्यादा प्रयोग क्लासेस, इंटरफेस एंड मेथड की कॉम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में, असेंबलाइज को एक्सप्लेन करने में, तथा मेथड की सिक्योरिटी को स्पेसिफाई करने में किया जाता है। प्लीज यार वीडियो अच्छा लगा था अपने फ्रेंड के साथ भी चैनल कर देना, शेयर कर देना, तथा चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में लाइक का बटन को दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज यार न्यू वीडियो आएगा तो उसको भी देख लेना।